दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 धरती से चांद तक का सफर कैसे पूरा करेगा, चंद्रयान 3 मिशन क्या है, चंद्रयान 3 का मकसद क्या है और चंद्रयान 3 में कितने पेलोडस जा रहे हैं, कितने दिन काम करेगा चंद्रयान 3, कौन सा रॉकेट ले जाएगा चंद्रयान को, इस मिशन का सबसे कठिन हिस्सा कौन सा है, कितने दिन बाद चांद पर लैंड करेंगे लैंडर रोवर, दुनिया के कितने देश कर चुके हैं चांद पर लैंडिंग, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता दर कितनी है, इन सब सवालों के जवाब आज मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए इसरो का चंद्रयान 3 सिर्फ देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के चर्चा का विषय है। भारत पर विश्व की नजर है। श्री हरिकोटा से चंद्रमा तक चंद्रयान 3 का सफर कैसे पूरा होगा। 14 जुलाई 2023 की दोपहर के 2:35 में चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर उड़ान भर चुका है। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉन्चिंग श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन क्या है। चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में गए चंद्रयान 2 मिशन के फॉलोअप मिशन है, जिसे लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। चंद्रयान 2 से कैसे अलग है चंद्रयान 3। देखिए चंद्रयान 2 में लैंडर ओवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्स मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर ओवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। यह कम्युनिकेशन के लिए है। चंद्रयान 3 का मकसद क्या है। इसरो वैज्ञानिक दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत दूसरे ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है, वहां अपना रोवर चला सकता है और चांद की सतह वायुमंडल और जमीन के भीतर होने वाली हलचलों को पता करना। चंद्रयान 3 में कितने पेलोडस जा रहे हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर और पोपलन्स मॉड्यूल के कुल मिलाकर 6 पेपल्स जा रहे हैं। पेपोल्डल्स यानी ऐसे यंत्र जो किसी भी तरह की जांच करते हैं। लैंडर में रंबा LP, चास्टे और इल्सा लगा है। रोवर में APXS और लिप्स लगा है। प्रोपल्स मॉड्यूल में एक पेलोडेस शेप लगा है। कितने दिन काम करेगा चंद्रयान 3। इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर एक दिन तक काम करेगी, यानी पृथ्वी का 14 दिन। जहाँ तक प्रोपल्स मॉड्यूल की बात है तो यह 3 से 6 महीने तक काम कर सकता है। संभव है कि ये तीनों इससे ज़्यादा भी काम करे, क्योंकि इसरो के ज़्यादातर सैटेलाइट उम्मीदों से ज़्यादा चले हैं। कौन सा रॉकेट ले जाएगा चंद्रयान को। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के लिए इसरो LVM3 लॉन्चर यानी रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। यह भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। यह 43.5 मीटर यानी करीब 143 फीट ऊँचा है, 642 टन वजनी है। यह LVM3 रॉकेट की 4th उड़ान होगी। यह चंद्रयान 3 को जियोसिक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगी, यानी 170 × 36500 किलोमीटर आकार कक्षा में। इससे पहले इसे GSLV MK3 बुलाते थे। इसके 6 सफल लॉन्च हो चुके हैं। देखिए इस मिशन का सबसे कठिन हिस्सा कौन सा है। लैंडर को चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है। 2019 में चंद्रयान 2 को विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर्स के थ्रस्टर्स में बदलाव किया गया है। सेंसर्स ज़्यादा संवेदनशील लगाए गए हैं। लैंडिंग के समय वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेगी। देखिए अब सवाल आता है कितने दिन बाद चांद पर लैंड करेगी लैंडर रोवर। 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 से 50 दिन के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगी, इस दौरान 10 चरणों में मिशन को पूरा किया जाएगा। दुनिया के कितने देश कर चुके हैं चांद पर लैंडिंग। इससे पहले दुनिया के 4 देश चांद पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास कर चुके हैं। कुल मिलाकर 38 बार सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया गया है, लेकिन सारे सफल नहीं हुए। अब आखिरी सवाल ये है कि
चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता दर कितनी है? चार देशों द्वारा किए गए प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता दर सिर्फ 52% है, यानी सफलता की उम्मीद यानी 50% ही करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी चंद्रयान 3 की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।